पसीना छूट गया हमारा. दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल. नाउ आई एम इन लॉर्ड ऑफ द ड्रीम्स. वन आवर भी नहीं है ट्रेन आने में. गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट्स बाय स्निग्धा एंड मैं स्निग्धा. सो वेलकम बैक टू अनदर डे इन कोलकाता. सो अभी मैं हूँ अपने मतलब होटल रूम की बैल्कनी में. तो मुझे ना काफी अच्छा खासा एक बैल्कनी यहाँ पर मिला है. यू नो या ऐसा अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर. सो आज है हमारा यहाँ पर थर्ड डे एंड आज रात को ही हम बैक कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा यू नो बाहर घूम के आते हैं आसपास की कई जगह पे. तो अभी हम निकलेंगे. बाहर तो बहुत ज्यादा धूप है, अंदर रूम में तो एसी है, कुछ पता नहीं चलता है. मुझे ये कोलकाता सिटी बहुत पसंद है. सो चलिए अभी बातें ज्यादा नहीं करूंगी, आप लोगों से सीधा बाहर मिलती हूँ. Guys, now I am in South City and South City Mall के पास हूँ. So यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो हमें जो हमारा Uber है उसने ड्रॉप किया है. हम सभी लोग आए हैं, बहुत मजा करने वाले हैं आज यहाँ पर. तो यहाँ पर हम सभी लोग अभी अंदर जा रहे हैं एंड हमें लोग एक्चुअली में जो है ना एंट्रेंस तक जाना है एंड वहाँ से फिर अंदर जाना है. तो ड्रिंक्स जो है वो मिल गया है एंड दिस इज हियर. तो यहाँ पर है हमारा लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स एंड हम अभी जाएंगे. कैसा लगा सूफी? अच्छा लगा. बाहर का जो एम्बियंस है वो कुछ इस तरह से है एंड ये बहुत ही यू नो हाइप्ड है. सभी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं तो आई थॉट कि मैं भी यहाँ पर जाऊंगी. So let's see कि ये वोट द हाइप है या ओवर हाइप्ड है. So guys, now I am in Lord of the Drinks and this place is amazing. बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आते हैं. हम लोगों ने फूड वगैरह ये सब कुछ ऑर्डर कर लिया है. मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, दिस इज द प्लेस. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके. मैं आपको फुल वीडियो में दिखा दूँगी ये कैसा है, फूड कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. सो मैं पहले आपको बैक कैमरे से अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये मतलब एम्बियंस कैसा है, वो पहले आप देख लो. ओके, सो दिस इज नॉन वेज प्लेटर एंड इसमें आपको चिकन, मटन, फिश ये सब कुछ मिलता है एंड साथ में आपको एक लच्छा पराठा, एक सॉस एंड एक पापड़ भी मिलता है. सो ये जो प्लेटर है ये आप इसका जो प्राइस है यहाँ पर वो है 1200 रुपीज़. 1199 है बट सोच लो कि 1200 रुपीज़ ही है. एंड इसकी अगर टेस्ट की बात करूँ सो डेफिनेटली इसका टेस्ट मुझे पसंद आया एंड इसकी क्वांटिटी भी 2 से 3 लोगों के लिए अच्छा खासा ही हो जाता है. एंड अभी हम लोग जिस पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं, जो पिज़्ज़ा आप देख पा रहे हो वो है द लॉर्ड ऑफ मीट.
यहाँ पे मैंने पूछा था कि आपका बेस्ट पिज़्ज़ा कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि लॉर्ड ऑफ द मीट उनका बेस्ट पिज़्ज़ा है। सो हमने वही ऑर्डर किया है एंड इसका जो प्राइस है वो है 575 रुपीज़। सो ये पिज़्ज़ा मुझे उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बिकॉज इसकी जो क्रस्ट है वो जली हुई थी एंड इसमें जो भी स्टफिंग वगैरह ऊपर दिया गया है जो भी है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सो दैट वॉज इट ऑन ऑर्डर ऑफ द ड्रिंक्स फूड क्वालिटी। सो हमने एक वर्जिन मोजिटो भी लिया था दैट कॉस्टेड आस 295 रुपीज़। सॉरी, हमने दो लिया था एंड उसका भी टेस्ट सो सो था। सो हम जस्ट निकले हैं लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स से एंड अभी थोड़ा सा ये मॉल ही घूम के देखेंगे क्या है नहीं है, शायद शॉप्स में भी जाएंगे। जो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स का फूड है तो उसमें जो हमने एक प्लेटर लिया था वो तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो पिज़्ज़ा है इसका क्रस्ट टूटा हुआ था, जब जल गया था ऐसा था, मुझे ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं लगा। लेकिन एम्बियंस हिसाब से अच्छा ही है, थोड़ा एट अराउंड 4000 बिल हुआ था, सो इसी तरह का है। तो आप लोग चाहो तो एम्बियंस के लिए डेफिनेटली यू कैन कम, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। ओके गाइस, सो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैंने बहुत सारा शॉप यहाँ पर देखा, ज़ारा वगैरह ये सब कुछ ट्राई किया एंड हम लोग अभी स्पेंसर से होके आ रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त। सो अभी हम लोग यहाँ से कैब कर लेंगे एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं विक्टोरिया में। सो सीधा से विक्टोरिया में मिलती हूँ एंड somehow घूमते घूमते टायर्ड भी हो चुकी हूँ, आज ही है रात को हमारा ट्रेन। सो या गाइस, तो अभी विक्टोरिया में जाएंगे और वहाँ पर आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली। हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल में, इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, बेस्ट प्लेस। मुझे यहाँ पर आना बहुत पसंद है, जब भी मैं कोलकाता आती हूँ तब यहाँ पर मैं आती हूँ। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं हो चुका है या नहीं। चलो हम लोग फिर भी अंदर जा रहे हैं, बंधन हुआ है या नहीं। सोचा था कि शायद अंदर नहीं आने देगा, लेकिन कैसे भी हो अंदर आ गए हैं एंड दिस इज माय थर्ड टाइम इन विक्टोरिया एंड मुझे जितना बार भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाना भी अलाउड नहीं है, ऊपर का जो वो है ना उसमें हम नहीं जा सकते, तो अभी हमको निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, कुछ फोटोशूट वगैरह करके निकल जाएंगे एंड क्या आज का यही प्लान था एंड उसके बाद शायद हम लोग एक मॉल और भी जाने वाले हैं। रात को 11:20 का ट्रेन है, यही बस एक अच्छा हुआ है कि लेट ट्रेन है तो हम थोड़ा और भी घूम सकते हैं। सो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि और कुछ नहीं बचा यहाँ पर देखने के लिए, तो निकल के फिर आप लोगों से मिलते हैं। कैसा लगा
पे यहाँ पर घूम के बताओ घूम फिर पसीना छूट गया हमारा। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, अभी ट्रेन में तैयारी कितना बचा है कितना हमारे अंदर वो भी देखना पड़ेगा। थक गए हैं घूम घूम के, इसे मैं बार बार यहाँ पर आती हूँ, बार बड़ी बहुत पसंद आता है। विक्टोरिया मेरा देखने का बहुत ज्यादा मन था एंड फाइनली वो ड्रीम फुलफिल हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा और भी ब्यूटीफुल लगता है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड या सो नाइट का विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सो ये ड्रीम भी मेरा फुलफिल हो गया है एंड मैं बहुत ही ज्यादा खाली लग रही हूँ। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, मुझसे बहुत बहुत गुना ज्यादा। ओके सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मैं तो इतना ज्यादा फोटो खींच रही थी, यू नो वीडियो कर रही थी आप लोगों के लिए। सो मेरे दोस्तों वो सब आगे चले गए हैं, अब मुझे उनको जल्दी जल्दी जाके पकड़ना पड़ेगा। घोड़ा ही खाना देता है फिर भी घोड़ा को खाना नहीं देता है। किस्मत इतनी ख़राब है, हम लोग गए थे सोच रहे थे कि यहाँ का जो शियालदा का बिग बाज़ार था वो खुला होगा, लेकिन सैड बात ये है कि वो खुला नहीं है। सो हमें अभी फिर होटल में जाना पड़ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि होटल में जाने के वक्त हम खाना भी ले लेंगे। गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे चेकआउट करना है, अभी जाना है, निकलना है रूम से। सो यहाँ का जो हमारा ट्रिप था यहीं पर ख़त्म होता है। सो बहुत मज़ा आया मेरे दोस्तों के साथ घूम के यहाँ पर। तो अभी ट्रेन हमारा जो है वो 11:20 को है, पदातिक एक्सप्रेस, एंड उसी में हम लोग जाने वाले हैं आज। सो जाने का जो है ना एसी में नहीं मिला है, नॉन एसी में है, एंड पता नहीं कितना ज़्यादा गर्म लगेगा। तो जो भी हो जैसा भी हो ठीक ठाक रहा सब कुछ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, जर्नी वॉज परफेक्ट, दैट्स द गुड थिंग। सो या गाइस इस ब्लॉग को शायद मैं यहीं पर एंड करूंगी या फिर ट्रेन में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम सब तीन जन जा रहे हैं, रोड पूरा खाली है वैसे चलने में, वैसे दूसरे टाइम पे ये रोड जो है ना बहुत बिजी रहता है तो चलने में बहुत मुश्किल होता है। अभी एक बात अच्छा है कि रोड पूरा खाली है और हम लोग जा रहे हैं। अभी यू नो 1 आवर भी नहीं है ट्रेन आने में, तो सामने ही है स्टेशन, हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं ट्रेन में उठ चुकी हूँ और ट्रेन अभी जाने वाला है। तो इस ब्लॉग को ये फ्रेंड करते हुए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो बाय।